एक बार फिर हम बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो अब से थोड़ी देर पहले ही रामपुर के डिबडिबा गांव पहुंची हैं। यहां पर वो नवरीत सिंह के परिवार से मुलाकात कर रही हैं और अंतिम अरदास में शामिल हुई हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में ट्रैक्टर पलटने के कारण नवरीत सिंह की मौत हुई थी। नवरीत सिंह 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर चला रहे थे और इसी दौरान ITO के पास बैरिकेडिंग को टक्कर मारने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया और नवरीत की जान चली गई थी। और अब परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि नवरीत की मौत हादसे में हुई, बैरिकेडिंग को जब उनका ट्रैक्टर टक्कर मार रहा था उस दौरान उनकी मृत्यु हुई, और प्रियंका गांधी अब उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंची हैं। इंडिया TV संवाददाता विजयलक्ष्मी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विजयलक्ष्मी, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं, पहले तो वो आप बयां करें, और प्रियंका गांधी खुद कहाँ पर हैं? देखिए मीनाक्षी, अभी जो है वो अंतिम अरदास का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। यूपी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो यहाँ पर आई हैं। नवरीत सिंह जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड थी, उसमें ITO पर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें उनका ट्रैक्टर पलटा था जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज उनकी अंतिम अरदास का कार्यक्रम है जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके स्टेट के इंचार्ज हैं, तमाम लोग जो हैं वो आज आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी अंतिम अरदास का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है रामपुर के बिलासपुर तहसील में दिबदिबा गांव है। ये मीनाक्षी जी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम अरदास का कार्यक्रम अभी यहाँ पर चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आगे बैठी हुई हैं, अंतिम अरदास के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी और परिवार को ढांढस बंधाने जो है प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुँची हैं और अभी परिवार की महिलाओं के साथ यहाँ पर आगे बैठी हुई हैं मंच के पास। जी, उनका कितनी देर यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है और किन किन लोगों से उनकी अभी तक मुलाकात हुई है? देखिए, अभी प्रियंका गांधी जो है वो परिवार की महिलाओं के साथ बैठी हैं, जो नवरीत सिंह के परिवारजन हैं उनकी जो महिलाएं हैं, क्योंकि अंतिम अरदास का कार्यक्रम है, एक तरफ पुरुष बैठते हैं एक तरफ महिलाएं बैठती हैं। तो अभी महिलाओं के बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हैं और परिवार की महिलाओं से जो है वो बातचीत कर रही हैं। आज सुबह 6:30 बजे दिल्ली का जो कांग्रेस मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा निकली थी, अब से आधा घंटे पहले के करीब यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के तमाम और नेता भी हैं। मीनाक्षी, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार मांग कर रही है कि तीनों कानून जो है वो वापस लिए जाने चाहिए, और ये जो ट्रैक्टर परेड के दौरान ही ट्रैक्टर पलटा था नवरीत सिंह का जिसमें उनकी मृत्यु हुई, तो आज ढांढस बंधाने प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पहुंची है। जाहिर है। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिएगा, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हम आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में बसों पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम।